लोकसभा के मुख्य सचेतक डॉक्टर संजय जायसवाल ने न्यूज नेशन से बातचीत में कहा है कि इसी सत्र में पिछली लोकसभा में अटके हुए बिल पास कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी उनसे बात की हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार ने आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुख्य सचेतक लोकसभा के डॉक्टर संजय जायसवाल हैं संजय जी क्या एजेंडा होगा इस बार बजट के अलावा और किस तरह से आज सत्र की शुरुआत आप लोग करना चाहेंगे नहीं पिछले बार बहुत दुखद बात हुई थी कि लोकसभा अच्छे से नहीं चलने के चलते और राज्यसभा छियालीस विधेयक हमारे पेंडिंग रह गए थे और चूंकि लोकसभा का सत्र समाप्त होता है तो वह विधेयक की का भी खत्म हो जाता है फिर दोबारा लाना पड़ेगा तो सबसे आवश्यक है कि जो हमारे पुराने विधेयक छूटे हुए हैं उन सभी बिल को पास कराना हम सबों की सबसे पहली प्राथमिकता होगी पार्टी ने आपको मुख्य सचेतक बनाया है एक बड़ी भूमिका है आपके कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और निश्चित तौर पर सुचारू रूप से चलेगी तो चर्चा भी होगी बहस भी होगी और बिल के लिए पैसेज भी बनेगा किस तरह से इस भूमिका को निभाने के लिए आप तैयार तो सदन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलनी ही चाहिए और मुझे लगता है कि पाँच वर्षों के समय जो कुछ भी हुआ है विपक्षी दल जरूर इस बात को समझ गए होंगे कि आप देश में नकारात्मक संदेश देकर कभी सफल नहीं हो सकते हैं